स्टेशन से शुरू कहानी। ये स्टेशन देख के आपको कुछ याद आ रहा है? आ रहा है? हाँ, बहुत सालों पहले का एक ब्लॉग है जो रह गया था, जो मैंने डाला था। और आज फिर हम उदयपट्टनम स्टेशन पे है और मेरे साथ रानी उदयपट्टनम स्टेशन। और गाइस, आज का इतना बेकार है ना, सुबह मैं 8 बजे उठूं, 10 बजे हमें निकलना था एक जगह पे और मैं कंटिन्यू उठ के बस वेट कर रहा हूँ इन लोगों का। और आज अपन कितने साल बाद स्टेशन पे जा रहे हैं? कम से कम 2-3 साल। हाँ, तो 2-3 साल बाद जा रहा हूँ। 2 साल तो क्या वहाँ गाइस, फर्स्ट टाइम ट्रेन का सफर करने वाले, वो भी लंबा, मजा आएगा। तो अभी उदयपट्टनम से हम जाने वाले हैं पौंडीचेरी और उधर से सीधा मुंबई, और कंटिन्यू ट्रेन का सफर है। तो जो भी है सही है। अभी हमारे ये जी आ रहे हैं, चेतन जी आ रहे हैं, क्योंकि उनको रात को बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी थी आफ्टर द आरपी, तो उन्होंने वो ड्यूटी पार पाड़ी। उन्होंने 3 कस्टमर को हैंडल किया और उसके बाद वो सो गए, और सोने के बाद अभी वो कैसे तैसे उठे हैं, वो अभी दौड़ के आने वाले ट्रेन पकड़ने के लिए। तो हम जाने वाले मुंबई। यस, ये देखो दोस्तों, द कैप्टन चेतन आ गए हैं। आंगोल के लिए करे खर बोल खर, 10 मिनट में आंगोल करके आया, इज्जत है इसको। वन साइड नहा धो के आया पद्धति ने, और अभी यहाँ पे ट्रेन आ रही है। ये देखो चिपलून की ट्रेन वाया उदयपट्टनम। मला पण वेड व्हायचं थोडस। चेकिंग चेकिंग तू खा वडापाव, मी इथे बसतो। काय चेतन जी वडापाव दे रे उनको आशा भाई प्रेम घ्या ना जरा, माझ्यासाठी वडापाव, माझ्यासाठी वडापाव यहाँ पे जबरदस्ती हो रही है वड़ा पाव खिलाने की। प्रेमानी देता फालतू। गाइस फाइनली चेतन जी ने वड़ा पाव एक बंदे को दे दिया है। सर वड़ा पाव खा के कैसा लग रहा है? आप इसको जानते हो क्या? नहीं, अहिला में बिना पहचान वड़ा पाव खिला दिया, एक महान कार्य किया है। अरे वो उसको जान नहीं रहा था कुत्ते को, उसने 3 लिए, 3 में से 2 उसने ठूसे, उसमें से 1 दे रहा है। दोन खाल्ले याला म्हणतात भाऊ ना, जबरदस्तीचा वडापावची कहाणी ना का? ठीक है। चोकोस्लो वाकियाला ट्रेन पकड़ी है, चेतन जी ने जगह बनाई। देखो जगह बनाई, इज्जत है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लाइफ है बच्चे के दिल में। और उधर भी अपना ओळखी का बंदा है, रो हाथ करो, ये देखो पहचान ही है। और ये भी मुंबई आने वाला है पौंडीचेरी से। रानी जी आप क्या खा रहे हो? ओनली विक्स। अच्छा चिंगम, ओके। चेतन जी आपने तो सब खाना छोड़ दिया ऐसा समझा मैं। दादर स्टेशन आ गए हैं, मजा आया सफर बहुत ही, मतलब सच बताता हूँ क्या दोस्तों, टैक्सी कैब इनसे अच्छा ट्रेन है, रप रप पहुँच जाता है इंसान। अभी यहाँ से प्रभा देवी जाना है, प्रभा देवी यहाँ से आधा घंटा होगा मैक्सिमम, लेकिन गर्दी की वजह से पता नहीं कितना हो सकता है। लेकिन अब हम टैक्सी ढूंढेंगे, टैक्सी यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन टैक्सी ढूंढने के लिए भी हमारे पास कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर है चेतन द टाइगर। और गर्दी देखो भाई, चेतन द टाइगर आप आपकी कौन सी क्वालिटी यूज करने वाले हो? चार जन अलाउड है क्या टैक्सी में? चार जन अलाउ नहीं है, हम 2 टैक्सी लेंगे। और यहाँ पे हमको पहचान लिया है 2 लोगों ने, काम 25 है मेरी कॉमम। टोंडगा जी देखो कैब ढूंढ रहा है, रपाक्स कंटिन्यू चेकिंग चल रही है। चेतन जी क्या हुआ? इसने प्रभा देवी नहीं लेके गए ना, हाँ लाइसेंस विजन सब गायब करेगा, नहीं कैलाश करूँ डाक में। काम 25 25
बैठो बैठो चलो। चाचा ले रहे हो क्या? अरे टैक्सी वाला नहीं, मुझे सिमन जी आप इसको बहुत बार ये करते हो पर इसकी इज्जत आजकल डाउन हो गई। चाचा 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 इसको इज्जत नहीं दे रहे, इसकी वैल्यू जीरो। ट्रेन में अंकल ने वड़ा पाव भी नहीं खाया, अंकल ने गाइस अंकल ने वड़ा पाव भी नहीं खाया, चाचा इज्जत नहीं दे रहे, टोल नाके पे भी टोल बना, चेतन की वैल्यू संप गई है गाइस, संप गई है। आप बाबा देवी नहीं जाते, किधर नहीं जाते, किधर जाएगी गाड़ी? चलो यहाँ से भी रिजेक्ट हो गए चेतन जी, लाइक ही ना रे, चल रहे मान जीरो गाड़ी लगा। चल चल अच्छा यहाँ पे लाइन है दोस्तों, अभी ये प्रभा देवी जाएंगे। अगो बेकार चेतन, इथे पण रिजेक्ट, रुक रुक ये लास्ट लास्ट टिप लास्ट टिप, त्यांचा सोड त्यांचा सोड, इकडे घेरे। अरे इथे प्रभा देवी अप्पा ये ना बेकार रे, प्रभा देवी चले चल चल चल, प्यार से पूछा हो गया चेतन का नहीं चला, लेकिन ईमानदारी से देखो क्यों फॉलो करोगे, ईमानदारी से जाओगे मिल गई काम 25। अंकल तुमने मुझे देखा इसलिए हाँ बोले, तू 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 पकड़ो उधर, हाँ बोलो हाँ मुझे एक बात, इसको देख के आप हाँ बोले या लाइन की वजह से? शून्य शून्य एक काम करो मुझे उतरा, आप मुझे देख के नहीं ना, देखने की बात नहीं, कोई भी होता लाइन में जो आएगा उसको जाना चाहिए। ठीक है मैं चल के आता हूँ, आप इनको इनको बोले जाओ जाने तो, मन रख लो, मन रख लो। बोल के मतलब क्या है अंकल? बोलो मेरी क्वालिटी संपले का है बोलना। ऑब्वियसली इस व्लॉग का थंबनेल या फिर टाइटल देख के आपको अंदाज और आ ही गया होगा स्टोरी वगैरह देख के, क्योंकि जब ये वो आपको वीडियो मिल रहा है तो हमेशा की तरह हमने स्टोरी ऑलरेडी शेयर ही कर दी होगी। तो हम उस जगह पे आ गए हैं और वो जगह से हम वो चीज़ अभी लेने वाले हैं। चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जोर से सुसु आई है, वो पहले मैं करके आऊंगा। और दो मेहमान हमसे जुड़ने वाले हैं। यही सरप्राइज है मेरी कॉमो कि हमने टाटा सफारी के साथ नाता जोड़ लिया है, वो भी डार्क एडिशन, और टाटा हैरियर अभी भाई ने ले ली है और उसका बाकी ओवर इज पेमेंट और मतलब हाँ वो मुझे दे दिए उन्होंने। ठीक है भाई के लिए ब्लैक कलर इसलिए पहना था क्योंकि ये इतने बड़ी जंबो गाड़ी आज आपके बड़े भाई ने इतने आपका इंजन नंबर चीसी नंबर यहाँ पर गाड़ी आता है यहाँ पर नाम है ये इंश्योरेंस आपका जो मैं आपको 3 साल का इंश्योरेंस जो बताया आपका जीरो खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस पहले गाड़ी का दर्शन से पहले गाड़ी के इंजन का दर्शन देखो, क्रायोटेक 170 और ये सर पूरा डिटेलिंग दे रहे हैं, मराठीच माणूस है। बोल भाव बिंदास कम्फर्टेबल मध्ये बोल, काय विषय नाही? क्रायोटेक 170 हॉर्स पॉवर चा इंजिन आहे, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क मध्ये येत आहे। अरे हो तू त्यांना अनकम्फर्टेबल करतो कुत्र्या, हे तू बोल, तू बिंदास बोल, काय विषय नाही, इग्नोर कर कॅमेरा। 350 न्यूटन मीटर टॉर्क मध्ये येते इंजिन बेसिकली, जर आपण लेआउट बघितला तर हायड्रॉलिक स्टेअरिंग व्हील कॉलम सोबत येतं। फियाट बेसलाइन इंजिन आहे, तर बेसिकली तुम्हाला जो तुमचा इनलेट आहे तो हा पोर्शन येतो पूर्ण, ऑक्झिलरी बॅटरी इकडे येते, पॉझिटिव्ह टर्मिनल शीटिंगच्या अंडर येते, तर तुम्हाला एवढी दिसणार नाही सध्या ती, जर समजा कधी काय काढायची जरी असेल तर तुम्हाला हा टाइम हॅरियरला पण सेम असंच आहे, हॅरियरला पण सेम असंच येतो, हॅरियर आणि इंजिन सेम आहे, काहीच फरक नाही, 170 हॉर्स पॉवर काहीच डिफरन्स, 1 रुपया पण फरक नाही का, थोडा तर पिकअप द्यायचा। दोघांचा प्लॅटफॉर्म पण सेम आहे बेसिकली, ओमेगा वरतीच आहे, रेंज रोवरच्या प्लॅटफॉर्म वरती, Z हॅरियरच आहे, फक्त हे दांडकवर आले, हॅरियरला नाही, तो इनलेट हॅरियरचा तुमचा असा आहे, तेवढा डिफरन्स। पण हॅरियरचं वाशी आहे का माहिती का, त्याच्यावर बसता पण येईल इमर्जन्सीला, पाऊस पडत असेल बोनेट वर करा तिथे बसा, रिलॅक्स, गरम गरम आणि गरम पण होईल, गरम पण कपडे पण सुकतील। क्या सोच आहे रे तेरी? ओ तुम्ही जेवढ्या गाड्या सर्व्हिसिंग नसेल केल्या ना, अपग्रेड नसेल केले ना, बुफासाने केलेले आहेत। मी माझं आवडतं लोकेशन इथे चेतन सर बसतात असे, मी इथे बसतो आणि मध्ये चेतन सरांची मधाची लिंब सरबताची बाटली असते आणि मग ती माझी गप्पा मारत रिलॅक्स लाईफ जगत असतात। आणि आम्ही प्रवासाला गेल्यावरती इथे साधारणपणे बॅग असते, माझी छोटीशी बॅग आणि चेतनची छोटीशी बॅग आणि राहण्याचा दप्तरा आणि गरुडाची 2 दप्तरं, पण आता ती दप्तरं ठेवायची कुठे हा विषय मोठा, हे मोठा घन विषय होणार आहे का, एवढी वजन ठेवा। चला सर तुम्ही कंटिन्यू करा। आता सॉरी सर, तुमचा गाडी कधी बंद पडली तर तुम्ही हा 100%, पण आमचा माणूस उभा राहतो असा उभा, हा आपण ते असा उभा राहतो, इज्जत नाही का ना काढू हे दिले। वाव
हे फुकट आहे. इमर्जन्सी रिपेअर किट बेसिकली इन्क्लुडेड आहे. समजा टायर पंक्चर जरी झाला तर तुम्ही याच्यातून पंक्चर काढू शकता. होईचो गावात हे मी प्रॉपर फिटर होणार बा. हे जे आहे तुम्हाला याच्यावरती स्क्रू करायचं आणि मग टायरला कनेक्ट करायचं आहे. मग लिक्विड आतमध्ये सोडतो आणि मग हवा भरतो मग ते हे होतं. ओके मग टेम्पररी होतं एक प्रकारे. टेम्पररी म्हणजे आपण कमी किती किलोमीटर जाऊ शकतो. सही आहे. 25 ते 50 पन्नास किलोमीटर जाऊ शकतो. मग आता सर मला एक गोष्ट सांगा. सीट 6 सीटर आहे बरोबर. ओ सर मला ऐका ना, 6 सीटर आहे. सगळ्या आम्हाला 3-4 दिवस राहायचं आहे तर प्रत्येकाच्या बॅगेमध्ये 3-4 दिवसाचे कपडे असणार. तर 6 जणांच्या बॅगी कशा मावणार प्रश्न आहे. मावू शकतात तर तुझ्या माझ्यासारखी लोक असतील. आम्ही एका टी शर्ट वरती 3 दिवस काढतो, एका जीन्स वरती 5 दिवस काढतो. पण हे 3 दिवस आठवड्याचे टी शर्ट 2 दिवसाठी आणि राणे सरांचे हे असतात, पाऊच असतात, बनियान वगैरे ना राणे सर 25-30. आज पाऊच नाही आणला त्यांनी. आज त्यांनी वेगळं काहीतरी सिलेंडर आणलेलं आहे. सिलेंडर ते NO2 नाही, नॉस आणलाय. नॉस गाडी लावून पळवायची गाडी. आता इथे इथे चादर टाक आणि झोप ना भाई. टेन्शनच नाही म्हणजे गाडी 4 जण सुखात राहून मागे तू झोपू शकतो बाबा आणि व्हिडिओ कॉलवर कंटिन्यू बोलू शकतो. काही टेन्शन नाही लाईफ मध्ये. रूम पण ठेवू शकतो. अरे पण तू समजतोय पण आणि इज्जत पण काढतोय म्हणजे काय काय विषय ब्रो. क्वालिटी इंडेक्स तुम्हाला इथे दाखवतो. बेसिकली तुम्ही याच्यावरती इंटरफेस मध्ये पण बघू शकता. इंटरफेस मध्ये कॅबिन एक्यूआय मध्ये तुम्हाला सेटिंग मध्ये दाखवतो. अभी वायरलेस वायरलेस ना मेरी चंचू वायरलेस असं लेवल चेंज होणार त्या हिशोबाने. पण या गाडीचा एकच प्रॉब्लेम आहे सांगतो तुम्हाला. आता माझी हॅरियर आहे ना, तिचं 1.5 वर्ष मी सीट कव्हरच नाही काढली बरोबर. आणि आता हिची मला काढायला लागणार. हो हिचं का काढणार? हे आहे ना हवा कशी येणार पब्लिकला. नाही तुम्हाला सीट कव्हर म्हणजे तुम्ही असं वेगळं म्हणताय का? नाही हे प्लास्टिक प्लास्टिक काढावं लागेल. प्लास्टिक काढावं त्याच्यावर काहीतरी उपाय करा ना सर. जर माग घेणे प्लास्टिकला असं थोडं होलं पाडून दिली असती तर 45-70-80-90 आपण पाडू तरी पण नाही तुम्हाला काढावंच लागणार. बादशाह बादशाह इज दे फुगला फुगला फुगलाय फुगले बघ तेव्हा राप काच राप काच डायरेक्ट मॅप दिली. हे भारी आहे वायरलेस. ते भारी हॅरियर मध्ये तुम्हाला वायर कनेक्ट I got problems are sober. My run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems are sober. My run through the money. अभिरामजी तुम्ही पण मला आवडतं. या या अभिराम, हे अभिराम आणि काका मेन आहे मेन. आणि अभिराम तर मेनच मेन. अतिशय अतिशय वेगळा एक्सपिरियन्स आहे हा माझ्या लाईफ मधला. खूप मजा येते आणि मी अक्षरशः आतले अश्रू आतल्या खेचून सर्दी रूपात गेलतोय एवढा मला आनंद होतोय. मला काहीच समजत नाहीये त्यामुळे मी शांत वाटलं. धन्यवाद. तुम्ही शांत आहेत ना, तीच तुमची पोच पावते आणि असेच शांत राहा. बस मी जास्त नाही बोलतो. आपण आता गाड्या घेत राहायच्या फ्युचरमध्ये. सगळी गँग वाढत चालली, प्रत्येकाकडे एक गाडी पाहिजे. चेतन सर पुढच्या वर्षी गाडी घेत आहेत, त्यांनी सगळं सोडलेलं आहे. ते म्हणजे गाडी ड्रायव्हर सकट घेणार आहेत. गाडी ड्रायव्हर सकट घेणार आहेत. ड्रायव्हर आणि बॉडी गार्ड बॉ यांनी 6 सीटरच घ्यावी. एक सीट याची. तुम कितना भी प्रयत्न करो तुम्हें घर जाने को लेट होता ही है, ये सबूत है. अभी देखो 7:30 बज गए हैं और हमने एक बड़ा डिसीजन लिया है. अभी ये डाकू जो है, डाकू उसकी गाड़ी से जाएगी उसके घर नैनो पारसिका में. और पट्टू बेचारा उसको छोड़ रहा है, पट्टू और वो अंकल एक. और मैं अभी उस गाड़ी में जाएगा रूम्बा घर, क्योंकि आई को गाड़ी दिखाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है.
घर पे जाके आई बाबा को गाड़ी दिखाएंगे, वो खुश होंगे, फिर अपन आगे का प्लान करेंगे। मेरी पॉप्स कसं वाटते आई, काय वाटते गाडी बघून? हां खूप सुंदर आवडला का कलर? आईनी हा हे हार लावलाय, तिला हार लावत होता गाडी, मग पूजा करणार का? मग घे चलो, मेरे साथ इनका भी पूजा हो गया। वैसे मैं एक चीज अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि अभिजीत भाई ने हैरियर हस्तगत कर लिए बच्चा, और वैगनर से अभी वो टाटा फैमिली में आ गए, फाइनली वो एक सिक्योर फैमिली में। अगर यहाँ पे शगुन भी रख दिया काम 25 ना मेरी पॉम पॉम। देखो मम्मी ने पूजा की, बहुत अच्छा लगा, और फिर मम्मी को मैं घुमा के लेके गया, गणपति बप्पा का एक मंदिर है वहाँ पे लेके गया, मस्त पे की देव बाबा का दर्शन किया। उसके बाद मैं आया, उसके बाद नेपच्यून को गाड़ी दिखाई, तो नेपच्यून बोला मेरे को इच्छा हो रही है घूमने की, तो मेरे को चल एक काम करते खाना खाने जाते। मम्मी ने खाना बनाया था पनीर पकौड़े वगैरह वगैरह, तो मैंने बोला नहीं हम जाते हैं और घूम के आते। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, राणे, अभिजीत भाई, घनश्याम जी, नेपच्यून जी और मैं, पांच जन मचाएंगे मेरी पॉम पॉम। अभी हम राणे के होटल के पास आए, बहुत बड़ा सफ़र तय करके, और अभी राणे जी आएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आएंगे होपफुली, और हम वो आएंगे तो हम जाएंगे और जाके खाना खाएंगे और रिटर्न आके सो जाएंगे। आगे अगर कुछ हुआ तो फुटेज आपको दिखेगी, नहीं हुआ तो यही एंड है। तो दोस्तों नमस्कार। विषय ऐसा है कि व्लॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये व्लॉग चालू है, तीसरा दिन आज उग गया है, और अब गाड़ी का एक शूट करना है क्योंकि मुझे आपको सरप्राइज देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है। तो लाइव स्ट्रीम पे मुझे सरप्राइज देने के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए हमें गाड़ी एकदम अलग ही एक डोंगर पे ऑफ रोडिंग करा रहे हैं, एकदम चंपकलाल ऑफ रोडिंग। और यहाँ पे अभी गाड़ी ऊपर चढ़ा देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से गाड़ी अभी ऊपर चढ़ रही है, और कितना इजी, देखो गाड़ी चला रहा है ये बंदा और यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, मतलब क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो, इतना खतरनाक रोड पे गाड़ी अभी रफ रोड मोड पे। तो ऊपर जाके यहाँ वहाँ पे सनसेट वगैरह अच्छा होगा, तो वहाँ पे शूट करेंगे हम, और वो शूट करके आज के आज एडिट करने का है, और एडिट करने के बाद आपको लाइव स्ट्रीम पे दिखाने का है। ये व्लॉग में जानबूझ के गाइस जगह पे टायर घूम रहा है, रुको मैं तुमको आंखों दिखाना चाहता हूँ। आगे आप ये नीरव टेस्टिंग चल रही है, कभी कभी गाड़ी अच्छी हो लेकिन ड्राइवर सड़ा हुआ हो तो ये चीजें होती है। मैं बैठूंगा तो 2 मिनट में निकाल दूंगा। एक्चुअली दोस्तों सच में बता रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाने वाला था ना, तो ये कुत्ता बोला मेरे को कि गाड़ी स्लो लेके जा क्योंकि खराब मत कर गाड़ी, और ये खुद अभी खराब करने जा रहा है। देखो मेरे को बोला कि धूल मत उड़ा, गाड़ी का शूट है, इसलिए मैं आराम से चला रहा था। लेकिन जगह पे घुमाना नहीं, जर्क में जाना है मेरी जान। Actually, मैं जब चला रहा था तो मुझे कोई बोला था कि धूल मत उड़ा, एकदम प्यार से चला, और अभी मैंने गाड़ी छोड़ी तो ये आठ छोड़ लेके आया फुल धूल। आपने आपको मैंने दिखाया, ये गाड़ी एक फुल साइज एसयूवी है, इसका काम है ऐसे खड़कों पे राप रूप जाने का। ये भी बात बराबर है, जाने दो, क्या मालूम है दोस्तों हर टाइम मेरे से क्रेडिट छीनने का काम ही है इसका, कुत्ते का। इस बार भी मेरा क्रेडिट छीन के गया, ठीक है मुझे बुरा नहीं लगता, अपना भाई है और आपका चाहता है तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा भाई तुमको मैं फुल व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों गाड़ी का, जैसे कि आप देख सकते हो, आय हाय मेरी चंपा और चमेली की बच्ची, यत्र यत्र गौमूत्र बच्चा। देखो दोस्तों ये डोर हम खोलने के बाद अंदर जाते हैं, यहाँ पे वायरलेस इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपके किसी भी मोबाइल को टच हो जाता है, यहाँ पे एयर वेंटिलेटेड सीट है जिसमें आप चालू करोगे तो उड़ने लगता है। देखो अभी उड़ने लगेंगे, रुमाल उड़ एकदम लिटिल बिट उड़ना। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है जो चार्ज नहीं हो रहा है फिलहाल, पता नहीं, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है, पीछे भी डायरेक्टली एयर वेंटिलेटेड सीट दिए है, उसके पीछे दो बंदे बैठ सकते हैं आराम से, कोई चील नहीं है। यहाँ पे सनरूफ दिया हुआ है जहाँ पे दो खिड़कियां है लेकिन उगड़ती है, एक ही है,
लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पे हमारे प्यारे गणपति बप्पा, कैसा लगा ये हैंडल है? हैंडल पे क्रूज कंट्रोल से लेके सारी आधुनिक चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे मैटिंग है, लेकिन मैटिंग पे हैरियर का नाम है, जहाँ पे वो सफारी है। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको आगे पीछे कर सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो, दरवाजे बंद ओपन कर सकते हो, पीछे डिक्की है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी है। और टायर भी इसके घूमते हैं कर। क्या वातावरण है भाई, ये देखो ना, एकदम मस्त वातावरण है। और इस वातावरण में तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त है। इधर आके मूड बन गया, ऐसा लगा गाड़ी का रिव्यू वीडियो ही बना दूं, लेकिन एक नॉर्मल वीडियो बनाया है। अभी तो शूट चालू हो चुका है और आप जैसा कि देख सकते हो कि अभी भाई है, मितेश है और मैं हूँ, हम तीनों शूट कर रहे हैं इन चीज़ का। काश ये मैंने हैरियर के टाइम पर भी किया होता,